Question number 7 of your exercise 15.4 is probability of solving specific problem independently by A and B are 1 by 2 and 1 by 3 respectively. दो स्टूडेंट्स हैं, एक ए है एक बी है, और ए और बी दोनों एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1/3, और ये इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है। इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि ए अपनी जगह सॉल्व करेगा और बी अपनी जगह सॉल्व करेगा, ठीक है। बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, दोनों अपने अपने लेवल पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व, आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, ये आपका क्वेश्चन है। और फिर सेकेंड पार्ट है इसमें, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, एग्जैक्टली दोनों में से एक जो है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें दिया ना, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, आपको दिया कि ए और बी दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट अस कंसीडर दैट ए इज द इवेंट दैट ए सॉल्व्स द प्रॉब्लम, ए प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, इस इवेंट को मैंने ए मान लिया, और बी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, उस इवेंट को बी मान लिया, ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे। ऐसा हम कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कंफ्यूजन है तो आप ई1 ई2 भी ले सकते हैं, assumption तो आप कोई भी ले सकते हैं। तो let A is the event that A solves the problem, B is the event that B solves the problem. Then probability of A has been given to us to be equal to 1/2, and the probability of B is given to us as 1/3. हमें A की probability भी दे दी और साथ ही साथ हमें B की probability भी दे दी। दोनों प्रोबेबिलिटीज हमें दी हुई हैं, और ये जो दोनों प्रोबेबिलिटीज हैं, ये यही है कि एक की 1/2 और दूसरे की 1/3। अब इन दोनों प्रोबेबिलिटीज के बेसिस पर हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि ए प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1-1/2 यानी 1/2 हो जाएगी, और इसी तरह से बी उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1-1/3, that is 2/3. तो A problem को solve कर लेगा 1/2, नहीं कर पाएगा 1/2. B problem को solve करेगा 1/3, और B problem को solve नहीं कर पाएगा, इसकी probability 1-1/3 यानी कि 2/3. ठीक है, ये आ गई। अब हमारा first part है, कि problem will be solved. ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहला पार्ट ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए। तो प्रॉब्लम कब कब सॉल्व हो सकती है, दैट इज आइदर ए और बी और बोथ ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बोला, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। आपको प्रोबेबिलिटी इस चीज की चाहिए कि ए और बी में से कम कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। यहाँ एटलीस्ट वर्ड मेंशन नहीं था, लेकिन एटलीस्ट वर्ड फिर भी आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमें कहा गया प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ये नहीं बोला कि किसने सॉल्व की, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हो सकता है ए ने सॉल्व की हो सकता है बी ने सॉल्व की हो, ये भी तो हो सकता है दोनों ने सॉल्व कर लियो। ऐसा थोड़ी होता है क्लास में भी, जब हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देते हैं, तो मान लो किसी एक बच्चे ने सॉल्व कर लिया तो बाकी नहीं कर पाएंगे, या दूसरे ने सॉल्व कर लिया तो पहले वाले का नहीं हुआ होगा। प्रॉब्लम तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो 40 के 40 भी कर सकते हैं, 40 में से 35 का भी सॉल्व हो सकता है। तो ये नहीं मैटर करता कि किसने किया, कितनों ने किया, ये मैटर करता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो हो सकता है ए ने किया, हो सकता है बी ने किया, हो सकता है दोनों ने कर लिया। तो
ओनली ए भी हो सकता है, ओनली बी भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, तो कम से कम एक हो गया, यही मतलब हुआ ना इसका कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व, क्योंकि एटलीस्ट वन जब हम लेते हैं ना तो एटलीस्ट वन का मतलब आइदर ए और बी और वो, ठीक है, यही चीज आती है एटलीस्ट को यूज करने में, तो एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी विल सॉल्व द प्रॉब्लम, देयरफॉर व्हाट शुड बी द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इन दैट केस, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगी एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, और एटलीस्ट वन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ऑब्वियसली वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, तो नन विल सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को दोनों में से कोई भी सॉल्व नहीं करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी को आप वन में से माइनस कर दो, तो आपको प्रोबेबिलिटी किस बात की चाहिए, एटलीस्ट वन विल सॉल्व द प्रॉब्लम, और एटलीस्ट वन विल सॉल्व द प्रॉब्लम इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, वन माइनस प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, तो ये बना वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी बार, अब वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी बार क्या होना चाहिए, इट शुड बी वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, तो वन में से ए बार की प्रोबेबिलिटी और बी बार की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे, तो क्या आंसर आना चाहिए हमारा, अवर आंसर शुड बी इक्वल टू व्हाट, क्या रिजल्ट मिलेगा आपको इस क्वेश्चन में ऐसा करने से, ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हाफ थी, बी के नहीं करने की 2/3 थी, तो अवर आंसर या रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी should be equal to 1 minus PA bar into PB bar which is 1 minus half into 2/3, तो ये आ गया 1 minus 1/3 that is 2/3, तो 2/3 probability है कि problem solve हो जाएगी, इसी का second part दिया है, exactly one of them will solve the problem, दोनों में से only एक student जो है वो problem को solve करेगा, exactly one of them will solve the problem, exactly one का मतलब है कि A करेगा तो B नहीं करेगा और B करेगा तो A नहीं करेगा, तो जब आपको ये बोला कि आप इस बात की probability निकालो, the probability that exactly one will solve the problem, तो वो probability किसके बराबर होनी चाहिए, it should be probability of A into B bar or A bar into B, क्योंकि ये बोला कि कम दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और जब दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तो A करेगा तो B नहीं करेगा और B करेगा तो A नहीं करेगा, तो दो केस बन गए A B bar और A bar B, तो इसके हिसाब से it should be probability of A into probability of B bar, और का मतलब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो व्हाट इज द आंसर, हाफ इंटू 2/3 प्लस हाफ इंटू 1/3, तो आफ्टर कैलकुलेशन आवर आंसर कम्स आउट टू बी 1/2, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 15.4, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स what is the chance of throwing head and tail alternatively in 3 successive trials, 3 bar try kiya gaya 3 successive trials mein head or tail alternately aane ki kya probability hai, is question ko to aap direct bhi solve kar sakte ho, so that is just up to you, whenever we toss 3 coins 8 outcomes are possible, sample space banta hai na 8 ka, even e de diya head and tail occur alternately, head और tail alternately आएंगे, तो इसमें दो ही आउटकम बनते हैं, या तो बनेगा HTH या बनेगा THH, HTH और THH, तो E के फेवरेबल आउटकम्स हो गए कितने 2, तो what should be the probability of event E, event E क्या था, head और tail एक साथ alternately आएंगे, तो प्रोबेबिलिटी बनेगी फेवरेबल आउटकम्स 2 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स 8 दैट इज 1/4, ये तो हो गया, इस क्वेश्चन को डायरेक्टली अगर करना हो तो कैसे करेंगे,
इसी क्वेश्चन को आप इंडिपेंडेंट इवेंट्स की हेल्प से भी कर सकते हो। इंडिपेंडेंट इवेंट्स की हेल्प से करना है तो आप कैसे करोगे? क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी दैट हेड एंड टेल अकर अल्टरनेटली, हेड और टेल अल्टरनेट पोजीशंस पर आते हैं, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी चाहिए एच टी एच और टी एच टी। ये दो ही केस हैं जिनमें हेड और टेल अल्टरनेट पोजीशंस पर आएंगे। तो अब यहां से इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट वाला कंसेप्ट हम लगा सकते हैं, तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी एच, फोर का मतलब, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच टी। तो ये आया प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। हमने अलग अलग क्यों कर दिया? यहाँ हम अलग अलग इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है ना, इस क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट है। पहले क्वेश्चन को एक बार टॉस किया, फिर दोबारा टॉस किया, फिर तीसरी बार टॉस किया, तो आपके जो नंबर ऑफ टॉसेस हैं वो अलग अलग इंडिपेंडेंट टॉसेस कहलाएंगे बिकॉज द टॉसेस आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो आप इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी अलग अलग करके भी ले सकते हो, एच की प्रोबेबिलिटी, फिर टी की प्रोबेबिलिटी, फिर एच की प्रोबेबिलिटी, और टी एच टी का क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी। अब हमें अच्छे से पता है कि हर ट्रायल में, हर टॉस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही होती है। हेड और टेल दोनों हाफ प्रोबेबिलिटी के साथ आते हैं, तो ये बनेगा हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ प्लस हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ। तो आंसर आया 1/8 प्लस 1/8, 2/8 विच इज इक्वल टू 1/4। तो ये क्वेश्चन दोनों ही तरह से हो सकता है, आपको दोनों मेथड जानने चाहिए। कहीं पर अगर कभी पेपर में ये लिख कर दे दिया ना, सॉल्व बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स या इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट्स, देन यू हैव टू प्रोसीड बाय दिस मेथड, अदरवाइज यू आर फ्री टू यूज एनी मेथड दैट यू लाइक। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। कुछ मिलता जुलता ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है ना, उसको केसेस तो वही बनते हैं लेकिन थोड़ा मोल्ड कर दिया। ध्यान से पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़िए आप लोग, और मैं इसे रीड आउट कर रही हूँ, आप सुनिए प्लीज। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 times, कॉन्सेप्ट वही है, एक कॉइन को 3 times टॉस किया, एंड ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर कंसिडर्ड इक्वली लाइकली, और जितने भी आउटकम्स आए उन सभी को कैसा माना? द ऑल द आउटकम्स हैव बीन कंसिडर्ड एज इक्वली लाइकली, मतलब सबके आने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। कंसिडर द टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस एज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब देखो कॉइन तो 3 toss किए, पर ये कह रहा है तीनों टॉसेस में कॉइन को 2 times टॉस करना जो है उसे तो आप मानिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, एंड वंस एज सेकेंड एक्सपेरिमेंट, और एक बार टॉस करने को मानो सेकेंड एक्सपेरिमेंट। मतलब 3 tosses को इन्होंने डिवाइड कर दिया कि शुरू के 2 tosses को एक साथ लेकर चलेंगे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मानेंगे, तीसरे टॉस को अकेला लेकर चलेंगे सेकेंड एक्सपेरिमेंट मानेंगे, एंड देन वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 heads एंड अ टेल, और सेकेंड पार्ट है 3 heads, द 2 experiments बीइंग इंडिपेंडेंट, दोनों एक्सपेरिमेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। मतलब एक छोटी सी चीज को बहुत घुमा फिरा के इन्होंने यहाँ एक्सप्रेस कर दिया। अब देखो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम किस तरीके से ले सकते हैं। पहले तो क्वेश्चन को ही समझिए, इन्होंने क्या किया, कॉइन को टॉस किया, ठीक है, कितनी बार टॉस किया? थ्राइस, 3 बार टॉस किया। एक कॉइन है उस कॉइन को 3 बार टॉस किया, 2 tosses जो हैं, फर्स्ट 2 tosses इनको माना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। ये कह रहे हैं जो पहले 2 toss है ना एक साथ उनको तो मान लो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, और फिर जो थर्ड टॉस है तीसरे नंबर पे, एक ही टॉस हुआ ना, उस सिंगल टॉस को मानो सेकेंड एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में डिवाइड कर दिया, मतलब टॉस तो 3 बार ही हुआ है, पर 3 बार में से शुरू के 2 toss फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में काउंट होंगे
और तीसरा जो टॉस है वो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में काउंट होगा। अगर फर्स्ट टू टॉसेस को लेते हो तो आउटकम्स बनते हैं HH, HT, TH, TT। ये चार ही एक्सपेरिमेंट्स बनेंगे क्योंकि दो टॉस लेकर चल रहे हैं हम एक बार में। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है उसने कॉइन को दो बार टॉस किया। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पहले टू टॉसेस से रिलेटेड है तो पहले टू टॉसेस के आउटकम्स क्या हो सकते हैं? हो सकता है दोनों बार हेड आए, हो सकता है हेड के बाद टेल आए, इट मे बी टेल और हेड, इट मे बी टू टेल।